हमारे साथ अधीर रंजन चौधरी हैं। अधीर रंजन चौधरी जी, मिलिंद देवड़ा ने जिस तरह से आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाली और आज इस्तीफे का ऐलान कर दिया है पार्टी से, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे। मिलिंद देवड़ा चुनाव में जीते थे, मंत्री बनाए गए थे, यांग ब्रिगेड के नाम पे सब कुछ दिए गए। अभी वो ये लगता है कि अभी कांग्रेस पार्टी कुछ देने नहीं पाएंगे, चलो भागे और क्या। ये भगोड़े के लिए हम क्या बताए, भगोड़े ये भगोड़े मतलब और क्या होते हैं। नागपुर में कांग्रेस में थे, मणिपुर में आते थे, सुनते कि कांग्रेस से भाग गए, तो भगोड़े के अलावा और क्या होते हैं। आपकी पार्टी कह रही है कि टाइमिंग ऐसी है, जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री के इशारे पर हुआ है। देखिए, मुझे इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, हो सकता है जब हमारे नेता जयराम रमेश जी कहते हैं जरूर इसके अंदर कोई सच्चाई है। लेकिन मैंने देखा नागपुर में कांग्रेस में होते, नागपुर में आए थे, मैंने मुलाकात भी हुई थी होटल पे। मणिपुर आते थे भाग गए, तो आपसे कुछ कहा था उन्होंने? नहीं, कुछ कहा नहीं था। वो कहा था कि कांग्रेस को हम मजबूत करना है महाराष्ट्र में, ये कहते थे। मी विकास, मी विकास मार्गावर जाता है, मैं विकास के मार्ग पे चल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।